फोटो का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी पार्टी हमारे नेता फोटो का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी देवी देवता का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं उस तर्क का विरोध कर रहा हूं जो तर्क के साथ उन्होंने ये बयान दिया है। तब फोटो लगाने से अगर देश की अर्थव्यवस्था बदली जा सकती है तो निश्चित रूप से बदल देना चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो जीरो करप्शन की बात कर रहे थे, जो लोकपाल की बिल की बात कर रहे थे, जो स्कूल की बात कर रहे थे, जो अस्पताल की बात कर रहे थे, जो जेब में नेताओं की सूची लेकर घूमा करते थे कि इनको जेल में डालो। आज वो सब कहाँ गया? ये आदमी इतना फ्रॉड आदमी है कि इसने जितनी बातें बोली है इसने उसका उल्टा काम किया है। बिहार में दोगलापन मतलब होता है कि आपका बोलते कुछ और हैं और करते अगर कुछ और, तो निश्चित रूप से आपका वो दोगलापन चरित्र है और बिहार में सब इस बात को जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विशाल जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक बयान और पूरा तहलका मच जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि रुपया में गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी का भी फोटो होना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था जो है, जो रुपया गिर रहा है हमारे देश का, वो उनको आशीर्वाद मिलेगा और अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि देश का जो रुपया लगातार गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, अभी 80 से पार कर गया है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश है कि वो गांधी जी के अलावा साइड में लक्ष्मी जी और गणेश जी का भी फोटो लगाएं, ताकि उनका आशीर्वाद देशवासियों पर मिले और नोटों पर मिले। ऐसे में देखिए, पप्पू यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया है, ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल को दोगलापन का परिचायक बता दिया है। ये कहाँ तक सही है? एक नेता को जिस तरीके से अभद्र बातें करते हैं, क्या सही लगता है? इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं जाप के नेता शाहान परवेज जी। शाहान परवेज जी, सबसे पहले तो आपका द इंडिया टॉप में स्वागत है, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने ये ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, आप कैसे देखते हैं? और जो रुपया लगातार गिरता जा रहा है हमारे देश का, और एक जो बयान आता है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर हमको बोलने का मौका दिया। मैं नेताजी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया और जो उनकी मंशा है उस ट्वीट के पीछे, वो बिल्कुल सच है और बिल्कुल सहमत हूँ, और पूरा देश इस बात से सहमत होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति, चूँकि मैं इस पार्टी के स्थापना के समय से करीबन 7 साल तक इस पार्टी के साथ रहा हूँ, पार्टी के अहम पदों की जिम्मेदारी मैंने आम आदमी पार्टी में ली है, और मैंने आम आदमी पार्टी के उपदेशों को, जब स्थापना के समय जो उपदेश था, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को आज याद दिला देना चाहता हूँ। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो जीरो करप्शन की बात कर रहे थे, जो लोकपाल की बिल की बात कर रहे थे, जो स्कूल की बात कर रहे थे, जो अस्पताल की बात कर रहे थे, जो जेब में नेताओं की सूची लेकर घूमा करते थे कि इनको जेल में डालो, जो आज वो सब कहाँ गया? आज वो कहाँ गया? आप प्रोग्रेसिव सोच की बात कर रहे थे, जब आपकी पार्टी बनी, आपने पार्टी बनाया, आपने दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए, और तब तक आपकी सोच प्रोग्रेसिव थी, आप स्कूलों की बात कर रहे थे। आप समझिए कि ये आदमी इतना फ्रॉड आदमी है कि इसने जितनी बातें बोली है इसने उसका उल्टा काम किया है। जितनी बातें बोली है, एक भी बात इसने आज तक अपने जीवन में सच नहीं बोला है। अब आप बताइए कि मैं आपको लेकर आता हूँ इनके शिक्षा नीति के ऊपर। इन्होंने दुनिया को और देश को ढिंढोरा पीट दिया। आज हम बारी बारी से बात करें, क्योंकि आपने लगातार देखे कई बातें इसमें बता दी है। आपने बताया कि अपने नेता को आप सही मानते हैं, क्या जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है पप्पू यादव ने कि दोगलापन का राष्ट्रीय पर्यायवाची मिल गया है, आपको पता है दोगलापन बिहार में किसे कहते हैं और दोगलापन का मतलब क्या होता है? अब एक राज्य के मुख्यमंत्री को दोगलापन का पर्यायवाची बता रहे हैं, ये कहां तक जायज है? उन्होंने कोई बयान तो ऐसा नहीं दिया जिसके कारण आपको लग रहा है किस तरीके का आग बबूला होने वाली बात है। उन्होंने एक बस बयान दिया है, उन्होंने एक बस गुजारिश की है, उन्होंने बस कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से कि महात्मा गांधी को हटाए ना, बल्कि उनके बगल में लक्ष्मी जी और गणेश जी का आप फोटो लगा सकते हैं, क्या इससे कोई दिक्कत है क्या? मैंने बोला फोटो लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप फोटो लगा लीजिए, किसी की भी फोटो लगा लीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम फोटो का विरोध नहीं कर रहे हैं, और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने फोटो का विरोध नहीं किया है।
उन्होंने जो इस बात का विरोध है, जो तर्क दिया है कि आपका जब उनको स्टेटमेंट आप अगर सुनेंगे तो आप उनके स्टेटमेंट में ये कहें कि इनके वजह से फोटो लगने की वजह से डॉलर, उन्होंने इंडोनेशिया के बारे में बताया है कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र है, फिर भी उन्होंने एक गणेश जी का फोटो लगाया हुआ है अपने नोट पे, जिसके कारण आप कह रहे हैं। मैंने बोला है कि अगर अर्थशास्त्र का कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा सिद्धांत तार्किक रूप से ये बात को साबित करता हो कि किसी भी का फोटो लगाने से अगर देश की अर्थव्यवस्था बदली जा सकती है तो निश्चित रूप से बदल देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो तर्क इसके पीछे दिया है इस वीडियो में आपने, कि इसकी वजह से फोटो लगने की वजह से आशीर्वाद प्राप्त होगा और देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, तो मेरा विरोध और हमारे नेताजी का विरोध इसी बात से है कि आप जिस प्रोग्रेसिव सोच की बात कर रहे थे, आप स्कूल की बात करने आए थे, आप जीरो करप्शन की बात करने आए थे, आप प्रोग्रेसिव थॉट की बात करने आए थे, कि हम साइंस को बढ़ावा देने की बात करने आए थे, आज आप किस दोगलेपन के चक्कर में पड़े हैं, आप फिर कहां अपने आप को लेकर जा रहे हैं। तो उसी जो चीज है उसकी वजह से उन्होंने ये बात कहा कि बिहार में दोगलापन मतलब होता है कि आपका बोलते कुछ और है और करते अगर कुछ और, तो निश्चित रूप से आपका वो दोगलापन चरित्र है और बिहार में सब इस बात को जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विशाल जी देखिए, अरविंद केजरीवाल शुरू से स्कूल के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, सड़क के बारे में बात करते हैं, विकास के बारे में बात करें, लेकिन एक बयान के कारण इतना बड़ा बवाल करना कहां तक लाजमी। आपने कहा शिक्षा की, दिल्ली का शिक्षा का स्तर देख लीजिए कि वर्ल्ड क्लास मॉडल फैसिलिटी है। आप एक एक करके आप सारे बिंदु पे आ जाइए, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस देश का उन्होंने रेफरेंस दिया कि वहाँ पे एक मुस्लिम देश के करेंसी पे श्री गणेश जी का और श्री लक्ष्मी जी की फोटो लगी हुई है, तो हम फोटो का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी पार्टी हमारे नेता फोटो का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी देवी देवता का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं उस तर्क का विरोध कर रहा हूं जो तर्क के साथ उन्होंने ये बयान दिया है, जिस देश का उन्होंने चर्चा किया। आपको बता देना चाहते हैं कि एक रुपया, एक भारतीय रुपये के बराबर वहां की करेंसी 186 रुपये से भी अधिक है, 88 रुपये के आसपास। तो जिस देश की अपनी अर्थव्यवस्था हमसे 100 गुना खराब है, हम उस देश की बराबरी करेंगे? अगर आप डॉलर की तुलना उस देश से कर भी नहीं सकते, 15-20 हज़ार रुपया वहां का करेंसी वैल्यू एक डॉलर के बराबर हो जाएगा। आप अगर प्रोग्रेसिव सोच की बात कर रहे हैं, आप आइए ना, अगर आप प्रोग्रेसिव सोच की बात करते हैं, एक एक करके आइए। आप स्कूल के मुद्दे पर आए, आपने बताइए कि आपके कितने ऐसे नेता हैं जिनका बच्चा आपके सरकारी स्कूल में, को जिसको आप दावा कर रहे हैं कि आपने सरकारी स्कूल बहुत अच्छा किया है, आपके कितने ऐसे नेता के बच्चे हैं सामने लाकर खड़ा कर दीजिए। और अरविंद जी और मनीष जी और आपके अपने बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका भी जरा स्पष्टीकरण दे दीजिए कि आपके अपने बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि जितना मैं बता रहा हूं आपको, मैं बिल्कुल रह चुका, मैं बोल रहा हूं कि मनीष जी आप आइए सामने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जो पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था का ढिंढोरा पीट रहे, आप आइए और कहिए कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, दुनिया के सामने जग जाहिर कीजिए। अरविंद जी आप आइए और आप बताइए कि आपके कौन से बच्चे ने उस सरकारी स्कूल में पढ़कर पढ़ाई को आगे बढ़ाया है। और आपके पार्टी के जितने नेता है, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं एक एक को जानता हूं, और दावे के साथ कर रहा हूं कि कोई एक नेता सामने आकर कहे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। आपने सरकारी स्कूल के नाम पर जो राजनीति शुरू किया, आपने स्कूल से ज्यादा सरकारी शराब का ठेका खोला है, आप स्कूल से ज्यादा शराब बेच रहे हैं, शराब का ठेका खोला। आप स्कूल की बात करेंगे, आप प्रोग्रेसिव सोच की बात करेंगे, आप अस्पताल की बात कीजिए, इनका अस्पताल का व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब बताइए कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना इलाज कराने बैंगलोर जा रहा है, और आप उठाकर देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री की पत्नी बीमार पड़ी, वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुई? और मनीष जी आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं, आप बताइए कि आपके परिवार को जो दिल्ली सरकार ने एक साल का मेडिकल सब्सिडी दिया है, उस मेडिकल सब्सिडी का बिल किस अस्पताल को गया है, उसको आकर आप क्लियर कर दीजिए कि आपने किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराया था कि आपने किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया अपने परिवार का। तो जब आप अपने परिवार का किसी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते, तो निश्चित रूप से आप उसका ढिंढोरा मत पीटिए कि वो अस्पताल बहुत अच्छा है। शुरुआत आपसे होना चाहिए, आप तो प्रचार करते हैं मगर ये नहीं बताते कि आप अपनी पत्नी का इलाज कहाँ कराए, आप अपने बच्चों का इलाज कहाँ कराए, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, आपके नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तीसरा मुद्दा कि आपने कहा करप्शन, करप्शन फ्री करने की बात,
आपका स्वयं दिल्ली सरकार का मंत्री आज करप्शन के चार्ज में अंदर है और सारे करप्शन के चार्जेस आपके मंत्रियों के ऊपर लग रहे हैं लगातार। और जिन लोगों करप्ट मंत्रियों की लिस्ट आप लेकर 100 लोगों की आप घूमते थे देश के करप्ट लोगों की लिस्ट में, आप उनका नाम आज आप भूल गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। और जिस सरकार, जिस कांग्रेस की सरकार को आपने करप्शन के नाम पर गिरा दिया, आप उस सरकार के अगेंस्ट में एक FIR नहीं दर्ज करा पाए कि वो करप्शन कहाँ पर था। तो आपने बोला कुछ है, आपने लोगों को झांसा दिया है, लोगों को ठगा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पंजाब में सरकार बना ली, आपने पंजाब में सरकार बनाकर आपने सोचा कि हम बहुत बड़ा 30 मार खा हो गए, हमने बहुत बड़ा तीर चला दिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। आप सोचिए विशाल जी कि पंजाब का सबसे बड़ा इशू क्या था, सबसे बड़ा इशू पंजाब इलेक्शन के दौरान और पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशा, नौजवानों में नशा का चलन इतना चरम पर है वहाँ कि युवा की पीढ़ी बर्बाद हो गई। अभी तो कुछ दिन हुई सरकार आने से, भी आप पंजाब पहुंच गए, दिल्ली से आप पंजाब पहुंच गए, आप एक स्टेट में क्यों नहीं रहे? मेरी बात सुनिए ना, आपने जहां जहां पे आप गए हैं मैं आपको पूरा एक्सपोज कर दूंगा ना। आप पंजाब गए, अब पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज आपको ही पता होगा कि सबसे बड़ा चैलेंज वहां नशा का था, बिल्कुल ठीक है। और आपने नशा के ऐसे प्रभाव में एक ऐसा राज्य जो नशा से इतना पीड़ित है, आपने वहां मुख्यमंत्री किसको बनाया? भगवत मान को, जो खुद लोकसभा में पी के ढूंढ के गिरा रहता है। तो आप बोलते कुछ और करते कुछ और, इसी बेसिस पे हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने कहा कि दोगलापन का पर्यायवाची मिल गया जिसका अरविंद केजरीवाल नाम ही काफी है। तो शाहान जी, आपके पास अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, रुपया को मजबूत करने के लिए कोई मजबूत ठोस आधार है? क्योंकि हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके पास तो अभी तक लग नहीं रहा है कुछ आधार है। उन्होंने कहा है कि रुपया कमजोर हो रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं, डॉलर मजबूत हो रहा है, ये बातें सामने आई। लेकिन अब जो लगातार बातें सामने आ रही कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का बयान, आपके नेता का बयान दोगलापन का पर्यायवाची बता रहे हैं, क्या ठोस आधार है, क्या कुछ कहेंगे? बस ऐसे हवाबाजी या फिर बयानबाजी चलता है? नहीं, बयानबाजी तो हम नहीं कर रहे हैं ना, ये बयानबाजी तो वो लोग कर रहे हैं। हमने कहा कि पहले थेसिस से नहीं थेथरलॉजी से भाजपा की सरकार चल रही थी, अब एक और थेथरलॉजिस्ट जुड़ गए। और हमने पहले भी आपसे पहले, जब 2 साल पहले मैं इस पार्टी को जब त्यागा, वो मैंने ये बोला कि RSS की बी टीम है और अरविंद केजरीवाल संघ का छोटा रिचार्ज है। ये बात आप लोगों को तब नहीं समझ में आया था, ये बात आज लोग आप समझ लीजिए, आपने देख लिया। अरविंद केजरीवाल से पूछ लीजिए कि उसकी पार्टी में कोई एक मुस्लिम लीडर जिसका वो नाम बता सके राष्ट्रीय स्तर पर, एक दलित का नेता जिसका वो नाम साबित कर सकें राष्ट्रीय स्तर पे। 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद अजय राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ता है, NRC का विरोध करने के बाद, NRC का समर्थन करने के बाद अमानतुल्ला खान को जेल जाना पड़ता है। वो ऐसी दोगली पार्टी जिसको दलितों का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, मगर जब दलितों के हित की बात होगी तो ये गूंगा हो जाएगा, जब मुसलमानों के हित की बात होगी तो ये गूंगा हो जाएगा, और ये थेसिस से नहीं थेसरलॉजी से चलेगा। तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और कर रहे हैं। और जब इसी थेथरलॉजी का समर्थन करना है आपको, तो फिर राफेल विमान में जब नींबू और मिर्ची टंगा तो आप क्यों विरोध कर रहे थे? जब इसी थेथरलॉजी का समर्थन करना है आपको, तो फिर जब राजनाथ सिंह जी ने नींबू और मिर्ची टंगा तो आपको क्यों मिर्ची लगा था? आपको लग रहा है गुजरात में चुनाव हो रहा है जिसके कारण ये हिंदुवादी कर रहे हैं, हिंदुत्व के वोट को लेकर के, ऐसा कुछ है क्या? आप कीजिए ना, आपका अपना अगर स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स आप कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप दोगलापन मत दिखाइए ना। आप बोलिए कुछ और करिए कुछ। विरोध इस बात का है, विरोध इस बात का नहीं है किसी आप धर्म को, किसी विशेष धर्म को आप सहयोग करना चाहते हैं या आपके मन में उस धर्म के प्रति सम्मान है, उसका विरोध नहीं है। आपका ये विषय, आपका आस्था आप अपना कीजिए, उससे कोई किसी का विरोध नहीं है, मगर थेथरलॉजी से देश नहीं चलेगा। आप थेसिस से देश चला सकते हैं, थेथरलॉजी से देश नहीं चला सकते। और इसी थेथरलॉजी से जो भाजपा चला रही है, उसी थेथरलॉजी पे अभी आम आदमी पार्टी भी आ गई, ठीक है। तो देश को थेथरलॉजी के दलदल में ढकेलने से हम लोग नहीं देंगे इसको, कोई देश के को थेसिस से चलाएंगे। अगर प्रधानमंत्री बात को मान लेते हैं, सपोज दैट, लगा देते हैं लक्ष्मी जी की फोटो, गणेश जी की फोटो, तो क्या आफत आ जाएगा? आपने बोला, मैंने बोला कि विरोध ही नहीं इस बात का है, आप क्यों मेरे को फंसा रहे हैं इसमें?
हमने कहा कि फोटो का कोई विरोध नहीं है, हमने कहा फोटो का विरोध नहीं है। मैंने ये याद दिलाया, हमारे नेता ने ये याद दिलाया, और मैंने ये बात को रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने कि जिस नोट पर ये फोटो ऑलरेडी लगा है उस नोट की हालत ऑलरेडी बहुत बदतर है, तो क्या आप उसको कॉपी करेंगे? क्या आप उसी चीज़ों को लेकर चलेंगे जो आपसे 100 गुना पीछे है? आप उन चीज़ों को कॉपी करेंगे? आप देश तरक्की कैसे कर रहा है? अगर मैंने ये बोला कि अगर आपको नोट पे फोटो चिपकाने से अगर नोट का और मुद्रा की स्थिति बेहतर हो सकती है, अर्थव्यवस्था सही हो सकती है, तो हम उन देशों की कॉपी क्यों कर रहे हैं जो हमसे 100 गुना नीचे है? हम इंडोनेशिया जिसका करेंसी वैल्यू एक भारतीय रुपये के बराबर 188 रुपये के करीब है, हम कुवैत की बराबरी क्यों नहीं कर रहे हैं जहाँ पे 256 रुपया एक कुवैती दिनार की कीमत 256 रुपये? अगर फोटो लगाने से, तस्वीर लगाने से हालात बदल जाती, अर्थव्यवस्था बदल जाती, अगर इसी थेथरलॉजी को आप मानते हैं तो इंडोनेशिया की नहीं कॉपी करके आप कुवैत की कॉपी कर लीजिए। कौन सा फोटो लगा लेते? कौन सा फोटो? हम नहीं जानते कौन सा फोटो उस पर लगा हुआ है। हमने बोला फोटो का, किसी फोटो का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किसी फोटो का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी करेंसी पे फोटो लगाने से देश की अर्थव्यवस्था सही होती है तो सबसे मजबूत जो करेंसी पूरे दुनिया में है आप उसकी फोटो लगाइए, आप सबसे नीचे वाली करेंसी की डॉलर से मुकाबले किया जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत गिरता जा रहा है, डॉलर में जो फोटो लगाए वही लगा लिया जाए। हमने तो कहा कि डॉलर से भी ज़्यादा मजबूत कुवैती दिनार है, है ना। एक डॉलर की कीमत भारतीय रुपये के अनुसार अभी 88 रुपये के आसपास है, जबकि एक कुवैती दिनार की कीमत अभी भारत के भारतीय रुपये के हिसाब से 250 से 256 रुपये के आसपास है। तो डॉलर से कहीं मजबूत रुपया कुवैती दिनार है, तो अगर आपको डॉलर की बराबरी करनी तो कुवैती दिनार को उठाकर अपना करेंसी बना लीजिए, और इसी से फोटो बदलने से अगर खेल बदल जाता है। मेरा फोटो का विरोध नहीं है विशाल जी, फोटो का विरोध नहीं है, हमारा फोटो का विरोध नहीं है, हमारा इस थेथरलॉजी का विरोध है जो ये थेथरलॉजी दे रहे हैं कि फोटो बदलने से अर्थव्यवस्था बदल जाएगी देश की। हम उस थेथरलॉजी का विरोध कर रहे हैं, हम उस थेथरलॉजी का विरोध कर रहे हैं जो जो कहा जाता है कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। हम उस थेथरलॉजी का विरोध करते हैं, हम उस थेथरलॉजी का विरोध करते हैं जो प्रोग्रेसिव सोच को पनपने नहीं देता है। हम उस थेथरलॉजी का विरोध करते हैं जो इस देश को अंधविश्वास के दलदल में ढकेलता है। बिल्कुल सांझ, अब हमें लगता है इस डिबेट को यहीं पर ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि लंबा ये डिबेट चल सकता है जिस तरीके से आपके नेताजी ने पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल किया है, दोगलापन का शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आपने उसके बारे में पूरा बता भी दिया है, हमारे तमाम दर्शक इसको देख भी लिए हैं, सुन लिए हैं, और तमाम जो चीज़ें बिहार की राजनीति में हो, भारत की राजनीति में हो, अभी देखिए डॉलर मजबूत होता जा रहा है और जो रुपया है वो कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान आना बिहार की राजनीति में भी अब देखिए इसको देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव ने जब से दोगलापन का पर्यायवाची शब्द बता दिया है, तो तमाम जो मुद्दे थे उनको लेकर के सवाल हमने किया है शान परवेज जी से, तमाम बातें इन्होंने बताई है, क्या कुछ हुआ है तमाम डिबेट पर आपने देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं, मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी घर बैठे पाए हर समस्या का समाधान, मोबाइल नंबर 8652114334 भी फोन लगाएं, समाधान पाएं, चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी घर बैठे पाए हर समस्या का समाधान, मोबाइल नंबर 8652114334।